दुरुपयोग का विलोम शब्द है, सदुपयोग। चाचा जी की तरक्की का समाचार सुनकर घर में विषाद, गहरा जो दुख होता है उनको विषाद कहते हैं। तो विषाद की लहर दौड़ गई, इसके बदले हम विलोम शब्द प्रयोग करेंगे, हर्ष। तो चाचा जी की तरक्की का समाचार सुनकर घर में हर्ष की लहर दौड़ गई। इस प्रकार से इनके विलोम शब्दों के द्वारा आपको दिए गए जो रिक्त स्थान हैं उनकी पूर्ति करनी है। तो ऐसे हम विलोम शब्दों के माध्यम से जो सब वाक्य है उनको पूर्ण करेंगे। अब अगला देखते हैं, आप संयुक्त अक्षर और हलंद वाले शब्दों से भलीभांति परिचित है। पूर्व कक्षा में आपको संयुक्त अक्षर और हलंद लगे वाले शब्द के बारे में बताया था। इन शब्दों को दो तरीकों से लिखना है। जैसे देखिए, ये हलंत लगा हुआ है, नीचे के नीचे हलंत लगा हुआ है चिन्ह, तो चिन्ह, तो यहाँ पर हलंत लगा के ब्रह्मा बोलते हैं, तो ब्र ह, यहाँ पे ह में हम क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। गड्ढा, तो ग और ड और ढा, तो यहाँ पर गड्ढा, ड के नीचे हलंत लगा के लिख सकते हैं। मिट्टी में यहाँ पे ट के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये हलंत को हटाकर हम यहाँ पर ट नीचे जोड़ सकते हैं संयुक्त अक्षर के रूप में। विद्यालय, अब विद्यालय द और यह यहाँ पर, तो यहाँ पर विद्यालय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। यहाँ पर द्य और यह के रूप में ये विद्यालय रूप में बदल जाएगा, संयुक्त अक्षर के रूप में बदल जाएगा। विद्वान में देखिए द के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, वी और द और वा और न, विद्वान। इस प्रकार से यहाँ पर संयुक्त अक्षर वाले जो शब्द लगाकर हम शब्द को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन शब्द को पूर्ण करते हुए आपको लिखना है। प्रश्न 11वां देखिए, कनक तीलियों से टकराकर में कनक का अर्थ होता है सोना, किंतु कनक का एक और अर्थ होता है अनाज या गेहूं। कनक का अर्थ धतुरा भी होता है। ऐसे ही इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ है, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, हार। अब हम एक शब्द सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं, परंतु उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जैसे हार, हार अर्थात माला, माला और दूसरा हारना, हार जाना, हार अर्थात माला। तो इनका वाक्य में कैसे प्रयोग करें, युवराज ने बहुत अच्छा काम किया इसलिए सभी लोग ने उसे हार पहनाया। मुझे फूलों का एक हार चाहिए, ऐसे हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है हारना, विजय रेस में हार गया, हारने। दुश्मन सैनिक देशभक्त सैनिकों के हाथों हार गया। क्रिकेट में हमारा दल हार गया। ऐसे बहुत सारे हम वाक्य में प्रयोग करके इनके अर्थ में भिन्नता दिखा सकते हैं। आइए देखते हैं आगे, उत्तर। उत्तर का एक अर्थ होता है, एक दिशा है उत्तर दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और एक दूसरे उत्तर का अर्थ है जवाब देना, उत्तर देना। मैं सारे प्रश्नों का उत्तर आज दिया, मुझे उत्तर दिशा में जाना है, राम का घर उत्तर दिशा में है। ऐसे बहुत सारे हम वाक्य में प्रयोग करके ये जो शब्द है उनके अर्थ में स्पष्टता ला सकते हैं। उसके बाद आता है अंक। एक अंक का अर्थ होता है गोद और दूसरा संख्या,
या 10 अंकों की संख्या आपको पढ़ने नहीं आती। ये एक वाक्य हो गया। माता के अंक में स्थान ग्रहण कर बच्चे प्रसन्न होते हैं, ये दूसरा अंक का अर्थ हुआ। तो इस प्रकार से हम वाक्यों में प्रयोग करके उनके अर्थ में भिन्नता ला सकते हैं। बच्चों, आप भी अपने वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करके नए उदाहरण दे सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर उनके भेद लिखिए। तो यहाँ पर दिए हैं धोबी ने कपड़े धोए, धोबी ने कपड़े धोए, धोए यहाँ पर क्रिया है, धोना क्रिया है, दौड़ रहे क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, कहानी पढ़ी पढ़ना क्रिया है, प्रसाद बांटे बांटना क्रिया है, आंधी आई आना क्रिया है। इस प्रकार जिसमें कुछ काम होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाता है। ये तो आपने पूर्व कक्षा में भी पढ़ा, परंतु हमको इनके भेद बताना है, सकर्मक और अकर्मक। धोबी ने कपड़े धोए, जहाँ पे कर्म की आवश्यकता होती है, जिसके लिए काम कर रहे हैं, जो काम किया जा रहा है उसमें कर्ता के साथ एक कर्म की आवश्यकता होती है, वह सकर्मक होता है। जैसे धोबी कर्ता है और कपड़ा कर्म है, सभी में क्रिया हो रहा है मगर कहीं कहीं पे कर्म नहीं है, ये कर्ता है और ये कर्म है। तो धोबी ने कपड़े धोए, तो इसमें धोए क्या हुआ, क्रिया हुआ, और कौन से क्रिया के भेद हुए, सकर्मक। घोड़े दौड़ रहे हैं, अब यहाँ पर दौड़ रहे हैं बस, यहाँ पे कर्म नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हुआ। घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं ऐसे बोलें तो वह सकर्मक होता। मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी, सकर्मक। कहानी पढ़ना इसके साथ मैंने पढ़ी, पढ़ना उसमें क्रिया है, उसमें कोई कर्म नहीं था, मगर एक अच्छी कहानी पढ़ी तो ये सकर्मक क्रिया हो। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, ये भी सकर्मक हुआ। क्यों? क्योंकि वह इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी जुड़ा हुआ। अचानक आंधी आई, अकर्मक क्रिया, आंधी तो आई परंतु यहाँ पर कर्म नहीं है। आगे देखिए अंतिम प्रश्न। कई बार मनुष्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ किसी को अपना आदर्श भी मानता है, जिनके आदर्शों व सिद्धांतों से प्रेरित होकर वह उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको आदर्श या प्रेरक व्यक्ति पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। जैसा कि पूर्व वीडियो में मैंने अनुच्छेद के बारे में बताया था कि किस प्रकार से अनुच्छेद लिखे, अनेक उदाहरणों के माध्यम से बताया था, उनकी सहायता लेकर आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। यहाँ पर संकेत बिंदु भी दिया है। सबसे पहले प्रस्तावना, आपको इन बिंदुओं को समाहित करना है अपने अनुच्छेद में, परंतु वहाँ पर ऐसे प्रस्तावना, आदर्श व्यक्ति का नाम, आचरण व व्यवहार, उपलब्धियाँ, उपसंहार ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, उनको समाहित करते हुए आपको लिखना है। प्रस्तावना, आदर्श व्यक्ति का क्या नाम है जिससे आप प्रेरित होते हैं, उनका आचरण और व्यवहार कैसा है, उनकी उपलब्धियाँ क्या क्या है, उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है, और आखिरी में उपसंहार करना है, उसका निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने अनुच्छेद को पूर्ण करना है। आशा करता हूँ कि पाठ ए हम पंछी उन्मुक्त गगन के अभ्यास सागर के जितने भी प्रश्न थे उनका उत्तर आपको समझ आ गया, और आप अपने भाषा अभ्यास सागर जो पुस्तिका है उनमें पूर्ण करेंगे। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।